हादसे में हाथ खोए हौसला नहीं जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं बाबू भाई परामर। दोस्तों, मिर्जा गालिब ने सच्ची कहा था ये शेर, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। महज 9 वर्ष की उम्र में बाबू भाई ने अपने दोनों हाथ खो दिए थे, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने के जुनून के चलते पहले उन्होंने स्वयं को शिक्षित किया और अब आज की तारीख में गरीब तबके के जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इनके इस जुनून और दरिया दिल के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, एक दिन खेतों में पिता के साथ काम करते वक्त बिजली के नंगे तार छू जाने के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए। इस हादसे के बाद वो गांव के सरकारी स्कूल में जाने तो लगे, लेकिन कुछ लिख पढ़ नहीं पाते थे। बाबू भाई ने अपने जीवन की बहुत सारे साल ऐसे ही गुजारे। मीडिया से बात करते हुए बाबू भाई कहते हैं कि दोनों हाथ गंवाने के बाद मैंने जान लिया था कि अगर पढ़ूंगा नहीं तो एक इज्जत भरी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, इसीलिए मैंने मुंह से पेंसिल रखकर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे इसी तरह लिखने की आदत हो गई। पढ़ाई के प्रति बाबू भाई की दिलचस्पी देखकर पिता ने बाबू भाई का दाखिला शहर के एक दिव्यांग स्कूल में करवा दिया। बाबू भाई ने पहले 10वीं तक पढ़ाई पूरी की और फिर बाद में 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी किया। टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में रहकर ही कुछ बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। बाबू भाई अपने घर से निकलकर बाहर कोचिंग खोलना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो कोचिंग नहीं खोल पा रहे थे। तभी एक दिन उनकी मुलाकात समाजसेवी अमरीश ओझा से हुई। उन्होंने अमरीश से अपनी इच्छा बताई। अहमदाबाद की एक अन्य समाज सेवी स्वीटी भल्ला सालों से गरीब बच्चों के लिए काम कर रही थी। उनका भी सपना था कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ काम करें। वो काम के चलते समय निकालकर बच्चों को पढ़ाने नहीं जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने किसी को ये जिम्मेदारी देने का विचार बनाया, जिसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार थी। फिर अहमदाबाद लायंस क्लब के माध्यम से स्वीटी को बाबू भाई के बारे में जानकारी मिली। बाबू भाई पहले से ही गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, इसीलिए वो बिना समय गंवाए ये काम के लिए तैयार भी हो गए। यदि इन दिनों की बात करें तो बाबू भाई लगभग 50 बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं और इसके लिए स्वीटी उन्हें हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद भी देती हैं। ऐसे ही न्यूज अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।